केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया कि वो सप्ताह के भीतर जम्मू कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिया। वे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो जम्मू कश्मीर में हिंसा में शामिल होने के लिए युवाओं को उकसाते हैं। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों को कश्मीर घाटी में हिंसा के लिए उकसाने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए और उन पर मामला दर्ज करना चाहिए, क्योंकि वो पिछले 65 दिनों से सामान्य जनजीवन बाधित कर रहे हैं। राजनाथ ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर सामान्य स्थिति बहाल की जानी चाहिए और स्कूल एवं शैक्षणिक संस्थाओं को काम करने देना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से चल रहे इस संकट में सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों का ही हुआ है। बता दें कि रविवार को कश्मीर में हुई दो अलग अलग मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 3 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। अधिकारियों ने राजनाथ को कश्मीर घाटी के मौजूदा हालात से अवगत कराया। गौरतलब है कि 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद से घाटी में अशांति है। प्रदेश में अब 75 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।